जंक फूड जो है उसके क्या नुकसान हैं, उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, ये हमारी न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं जवेरिया वो हमें बताएंगी। जी जवेरिया, आज हम बात करेंगे तमाम वो चीज़ें जंक फूड या क्यू कैन से विद अ लॉट ऑफ ऐसी ऐसी कुछ खुराक और चीज़ें होती हैं जो कि हमें पता नहीं होता कि हमारी प्लेट में वायरस है या बैक्टीरिया, और वो फिर मल्टीपल हो रहा होता है और ऑलरेडी वो प्लेट में ग्रो अप हो रहा होता है, वो हमारे स्टमक में जाके हमारी बॉडी में जाके डिफरेंट किस्म के वायरसेस और कभी कभी तो बहुत ज़िद्दी वायरसेस की फॉर्म में भी प्रॉनअप होता है और लेटर ऑन इट्स कैन बिकम अ हेपेटाइटिस कॉलरा, उसके अलावा यू कैन गो विद द एसिडिटी, हार्ट बर्निंग और बहुत सारे जो डिजीज़ हो जाती हैं। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि अक्सर औकात स्पेसिफिकली उन बच्चों की बात करेंगे जो कि कॉलेजेस की या स्कूल्स की कैंटीन में कुछ ऐसी चीज़ें वो बन रही होती हैं बट उनके नेल्स प्रॉपर ट्रिम नहीं होते, उन बहुत ज़्यादा माइक्रोबियल डेवलपमेंट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल डेवलपमेंट हो रही होती है और उसी सिचुएशन में उनके बच्चों को बच्चे जब भी अपने स्टडी रूटीन में होते हैं तो दे नीड अ लॉट ऑफ कैलोरीज क्योंकि वो एज इट इज़ बर्न आउट भी हो रही होती हैं, वो कुछ ना कुछ अपनी किसी ना किसी एक्टिविटी में भी होते हैं। तो जहाँ पर उनको न्यूट्रिएंट एक बैलेंस और हेल्दी न्यूट्रिशन लेनी चाहिए वहाँ पर फूड सर्विस सिस्टम में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि उनकी जो न्यूट्रिशन है या उनकी जो वेलनेस है, उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उसका ख्याल रखा जाए। यहाँ मैं बताती चलूँ कि तमाम वो लोग जो कि फूड सर्विस सिस्टम के मालिकान हैं वो उनको देखना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ों को प्रोवाइड करें और हेल्दी फूड ईटिंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि हेल्दी चीज़ों का प्रोवाइड होना। तो इसमें नंबर वन फूड सेफ्टी मेजर्स आ जाते हैं, हाइजेनिक कंडीशन आ जाती है कि आइदर के जो जगह जहाँ पे फूड प्रिपेयर किया जा रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं है, वहाँ पे कोई माइक्रोबियल डेवलपमेंट तो नहीं हो रही, आइदर के चॉपिंग बोर्ड अगर ग्रीन वेजिटेबल है तो उसके लिए ग्रीन यूज़ करें, अगर आपने मीट आइटम को कट डाउन करना है तो उसके लिए रेड यूज़ करें, अगर आपने कोई वाइट आइटम फूड आइटम मीट आइटम यूज़ करनी है तो आप सेपरेट चॉपिंग बोर्ड्स भी इवन यूज़ करें क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हद तक क्रॉस कंटेमिनेशन के चांसेज होते हैं। यह मैं बताती चलूँ कि अक्सर औकात हम रेडी टू टेक फूड ले लेते हैं और हमें नहीं पता होता कि बर्गर्स और ऑल आउट ऑफ जंक फूड जो है उसमें ऑलरेडी देयर सम बैक्टीरियाज एंड वायरसेस, स्पेशली इन द जो आप ये देखें कि स्पेशली जो मीट आइटम है, मिन्स मीट है यानी जो कीमा है या उसके अलावा गोश्त है, क्योंकि गोश्त एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल डेवलपमेंट है, जिसका सबसे ज़्यादा मल्टीप्लीकेशन है और अगर वो आप एक लिमिट के बाद यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिवर को अफेक्ट करता है यानी आपके जिगर पे असर डालता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो जाती है, लाइक टू से दैट आपको नॉर्मली आपको नेक्स्ट मील भी आप कंज्यूम नहीं कर पाते, आपको एसिडिटी होती है, हार्ट बर्निंग होती है और ज़्यादातर ये वहाँ पर प्रेवलेंट होता है जहाँ पर कमर्शली प्रिपेयर्ड अगेन एंड अगेन एक ही तेल में बार बार एक रेंसिड ऑयल में खाना गर्म किया जाता है, उसको यू कैन से प्री हीट किया जाता है और थॉइंग प्रोसेस जिसमें एक ठंडे खाने को बार बार जब गर्म किया जाता है तो उसमें माइक्रोबियल डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखा जाए क्योंकि अगर एक फ्रीज्ड फूड है, फुल फ्रीज्ड फूड है, उसको एक ही बार डीप फ्राई किया जाए या उसको बेक बॉयल्ड या ग्रिल जो भी आपका मेथोडोलॉजी है की जाए, दोबारा अक्सर औकात देखा होगा कि जहाँ पे बच्चे बाहर से खाना कंज्यूम करते हैं वहीं पे अक्सर औकात शादी ब्याह में भी पुराने दिन के खानों को रिफ़्रेश करके दिया जाता है जबकि वो बिल्कुल और स्पेसिफिकली गोश्त को, और जब गोश्त को आप दोबारा से प्री हीट करते हैं और सेम आप उन्हीं यू कैन से इन प्रॉपर ऑयल्स में और फैट्स में आप उसको मतलब पकाते हैं या उसको जो भी आप उसमें प्रोसेसिंग करते हैं तो उससे होता क्या है कि आपकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती, इवन कि आपका जो वेट लॉस जर्नी है वो भी स्टॉप डाउन हो जाता है। बहुत से लोग क्योंकि फ्रेश फूड जो है, फ्रेश फूड्स कैन लीड टू द मैसिव सक्सेस, आपकी बॉडी की सक्सेस है, आप खुद हेल्दी हैं, इसका मतलब आप अच्छी तरह से अब ज़िंदगी के मामूलात को अच्छी तरह परफॉर्म कर सक रहे हैं, पर वहीं पे जब आप हेल्दी फूड प्रॉपर नहीं कंज्यूम कर पाते तो उससे क्या होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आपके डिफरेंट आपको बीमारियाँ होती हैं, आपको डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, इवन कि आप प्रॉपरली काम अंजाम अपना ज़िंदगी के काम अच्छी तरह से अंजाम नहीं दे पाते। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल फूड सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखें, साथ ही साथ हाइजेनिक कंडीशन के, हेयर शुड बी कवर्ड, नेल शुड बी ट्रिम्ड, इधर आप अपने घर के किचन में या फिर आप एक फूड सर्विस सिस्टम के किचन में है तो आपको अपनी हेल्दी जो आप मेजर्स हैं उनको ज़रूर देखना। दूसरा, जब मील सर्व कर रहे हैं ठीक है कि इट्स गुड इन लुक्स और वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, एपेटाइजिंग होना चाहिए, पर साथ ही साथ ये भी ज़रूर देखिए कि उसमें कोई यू कैन गो थ्रू विद दिस थिंग कि खाना फ्रेश है, हेल्दी है, इवन कि इसका टाइम कोई शेल्फ लाइफ इसकी ओवर तो नहीं हो चुकी स्पेसिफिकली इन मीट पोर्शन। सो
ट्राई करें कि जो आपकी फूड प्लेट है वो बहुत हद तक उसको कंटेमिनेशन से या क्रॉस कंटेमिनेशन से या जर्म डेवलपमेंट से तब बचाया जा सकता है जब आपकी बेसिक प्रॉपर हाइजेनिक नीड्स कवर अप होंगी, और उसके साथ ही साथ प्रेफर करें घर का बना हुआ खाना हो, और उसमें भी माइक्रोबियल डेवलपमेंट तब कम होती है जब अपना किचन साफ़ रखते हैं, और किचन साफ़ रखने का मतलब है कि आप अपने पूरे अहले खाना को हेल्दी रखने के लिए इट्स गुड थिंग, सो यू कैन गो थ्रू विद दिस थिंग. थैंक यू सो मच जवेरिया, आती हैं अच्छी टिप्स देने के लिए जनाब.